अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सब। आज हम लोग बात करेंगे खामोशी के बारे में, चुप रहने के बारे में। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो चुप रहते हैं, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि दिन भर कुछ ना कुछ बोला ही करते हैं, दूसरों की बुराई किया करते हैं, दूसरों को टोका करते हैं, दूसरों को परेशान किया करते हैं, बिला वजह की बातें कर करके अपनी एनर्जी वेस्ट करते रहते हैं। देखिए, चुप रहने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जो इंसान खामोश रहना जानता है, जो इंसान चुप रहना जानता है, वो बहुत सी मुसीबतों से बच सकता है। चुप रहने का एक फ़ायदा ये है कि आप खामोश रहेंगे तो आपका दिमाग रिचार्ज होएगा, दिमाग आपका फ्री रहेगा, आप अच्छी चीज़ें सोच पाएंगे, कुछ कंस्ट्रक्टिव सोच पाएंगे। चुप रहने का एक फ़ायदा ये है कि जब भी आप बोलेंगे तो लोग आपकी बातों पर ध्यान देंगे, आपको तवज्जो देंगे, आपकी बातों को सुना जाएगा गौर से। और चुप रहने का एक फ़ायदा ये है कि आप ज़्यादा अपने अपने टैलेंट को पहचान पाएंगे, आप ज़्यादा सोच पाएंगे, एक अच्छे वे में आप सोच पाएंगे, और आप अपने हुनर को अच्छी तरह से बाहर निकाल के लोगों के सामने रख पाएंगे, कि आपके अंदर जो भी खूबियाँ आप उस पर वर्क कर पाएंगे, आप उसके बारे में कुछ सोच पाएंगे, आपको टाइम मिलेगा सोचने का। फिजूल की बहस में पढ़ के अपनी एनर्जी और वक्त वेस्ट करने से अच्छा है कि खामोश रहा जाए। जब भी बहुत ज़रूरी ना हो बोलना तो खामोश रहा जाए। और जो लोग खामोश रहते हैं तो वो ज़्यादा अक्लमंद होते हैं, उनका दिमाग में स्पेस ज़्यादा रहती है, ज़्यादा सोच पाते हैं, ज़्यादा अच्छा काम कर पाते हैं, अपने काम पे फोकस अच्छे से किया जा सकता है खामोश रह के। कि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो अगर आप बोल बोल के तो आप फोकस नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप खामोश होकर वही काम कर रहे हैं तो वो काम ज़्यादा अच्छे तरीके से आप कर पाएंगे। तो दूसरे लोगों को भी आप मोटिवेट कर पाएंगे कि ये काम मैंने इतने अच्छे तरीके से किया तो तुम भी कर सकते हो। तो खामोशी के बहुत से फ़ायदे हैं। खामोश रहने से बिला फिजूल की बहस से बचा जा सकता है। कुछ लोग अपनी एनर्जी बेकार की बहस कर करके वेस्ट करते रहते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए, उसमें दिमाग बेकार में परेशान होता है। इससे अच्छा है कि खामोश रह के बहस को टाला जा सके। खामोश रह के आप अपने सीक्रेट्स को अपने तक ही रख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा बोलने वाले लोग अक्सर बातों बातों में अपने सब सीक्रेट्स लोगों को बता देते हैं, जो कि उनको नहीं बताना चाहिए। और खामोशी का एक फ़ायदा ये भी है कि आप नेचर के करीब हो जाते हैं और कुदरत के करीब हो जाते हैं, कुदरत की खूबसूरती को आप समझ पाते हैं, आप सिंपल तरीके से जीना सीखते हैं, ख़ुद को वक्त दे पाते हैं, ख़ुद की एनर्जी को बचा के फिर ख़ुद को अपने आप को वक्त दे पाते हैं कि अपने बारे में कुछ सोच पाते हैं। और हर वक्त एक चैटर बॉक्स की तरह बोलते रहना आपका एनर्जी को वेस्ट करता है, आपके वक्त को वेस्ट करता है, और आपको लोगों से और उलझाता जाता है, आपका दिमाग उलझता है, आपके इमोशंस हर्ट होते हैं बोल बोल के, क्योंकि आप कुछ बोलिएगा तो सामने वाला कुछ जवाब देगा, फिर आप कुछ बोलिएगा, इस तरह से तो कभी कन्वर्सेशन ख़त्म ही नहीं होती और इंसान का दिमाग परेशान रहता है। तो खामोशी बहुत ही खूबसूरत चीज़ है कि इंसान ने खामोश रहना सीख लिया, वो हमेशा आगे बढ़ता है। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जितने भी कामयाब लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा नहीं बोलते, बस ज़रूरत पड़ने पर ही बोलते हैं। बिल्कुल फिजूल की बहस में पड़ना और अपनी एनर्जी को वेस्ट करना कोई अकलमंदी नहीं है। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए और अपने ऊपर फोकस करिए, अपने वर्क को अच्छे से करिए, खुश रहिए, और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।